हेलो एवरीवन, सभी को नमस्कार। मेरा नाम है रवि चौहान और स्वागत करता हूँ आपका हमारे यूट्यूब चैनल द गोल्डन मैथमेटिक्स में। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ 19 सितंबर 2021 को जो हरियाणा पुलिस का एग्ज़ाम हुआ था मॉर्निंग शिफ्ट में, उसका कंप्लीट सॉल्यूशन। ठीक है, क्वेश्चन पेपर मेरे सामने हैं, तो चलिए एक एक क्वेश्चन करके सभी क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, यदि वर्णमाला के पहले आधे भाग को उल्टे क्रम में लिखा जाए तो दाएं से 19वां अक्षर क्या होगा। वर्णमाला है आपके पास अल्फाबेट, उसके आधे भाग को आपने उल्टा लिख दिया, ठीक है, उसको रिवर्स बना दिया, तो दाएं से 19वां अक्षर क्या होगा। इसका आंसर आएगा ई, ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, यदि प्लस को सी दर्शाता है और इसको गुणा को डी दर्शाता है और भाग को ई दर्शाता है और माइनस को एफ दर्शाता है, तो इसमें से कौन सा कथन बिल्कुल सही है वो हमें बताना है। तो इसका ऑप्शन आएगा आपका डी, इसमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। ठीक, उसके बाद क्वेश्चन नंबर थ्री, निम्नलिखित में से हरियाणा का कौन सा त्यौहार नव संवत्सर उत्सव के 6 दिनों के बाद मनाया जाता है और बासोड़ा त्यौहार कहलाता है। ये होता है हमारी तीज। क्या है? तीज जो है वो 6 दिनों के बाद मनाई जाती है, ठीक, बासोड़ा जिसको बोलते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर फोर, एक व्यक्ति दक्षिण की ओर 300 मीटर चलता है, फिर अपने दाएं मुड़ते हुए 30 मीटर चलता है, फिर बाएं मुड़ता है और 20 मीटर चलता है, और फिर बाएं मुड़ता है और 30 मीटर चलता है, वह अपने प्रारंभिक बिंदु से कितना दूर है। इसका आंसर आएगा आपका फोर्थ का ई, 50 मीटर अपने ओरिजिनल बिंदु से दूर हो जाएगा वो, ठीक है, जब आप इसको सोल्व करोगे तो। उसके बाद क्वेश्चन नंबर फाइव, मस्का डोमेस्टिका किस वर्ग से संबंधित है। जो मस्का डोमेस्टिका होती है, जो घर में मक्खी होती है, उसको बोलते हैं मस्का डोमेस्टिका, और ये किस वर्ग से, इंसेक्टा के वर्ग से संबंधित है। ठीक है, तो फिफ्थ का आंसर क्या हो जाएगा आपका बी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर सिक्स, यदि एक पंक्ति में विजय का स्थान आगे से 13वां और पीछे से 6ठा है तो उस पंक्ति में कितने लोग खड़े हैं। आगे से 13वां स्थान और पीछे से 6ठा, मतलब पीछे उसके 5 लोग और हैं, तो 13 और 5 कितने हो जाएंगे, 18। तो इसका ऑप्शन कौन सा ठीक है, डी, डी इसका करेक्ट ऑप्शन है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर सेवन, क्या बोल रहा है, वर्ष 1955 में एस आर राव ने किस हड़प्पा स्थल की खुदाई शुरू की थी। एस आर राव ने 1955 में जो खुदाई शुरू की थी वो किसकी थी, लोथल। इसका आंसर क्या है, लोथल। उसके बाद है, किस चिन्ह को अदला बदली करने पर निम्नलिखित समीकरण सत्य होगा। आपको ये चेंज करके देखने हैं, चेंज करने के बाद कौन सा एग्जैक्ट बैठ रहा है इसमें, कौन सा सही सॉल्यूशन दे रहा है वो आपका आएगा ये है। अगर आप भाग और प्लस को इंटरचेंज कर दोगे उसके बाद ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हरियाणा का वह जिला जिसमें 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम बाल जनसंख्या अभिलेखित की गई थी, तो न्यूनतम बाल जनसंख्या किसमें अभिलेखित की गई थी, ये है इसका ऑप्शन है महेंद्रगढ़। महेंद्रगढ़ इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक, उसके बाद आता है खालिस्तान, एक विशिष्ट क्षेत्र में 4 या अधिक लोगों को में एकत्रित होने पर रोक लगाता है, वह कौन सा है जो 4 लोगों को इकट्ठे नहीं होने देता, वो कौन सी धारा है, कौन से सेक्शन है, वो है आपका सेक्शन 144 ऑफ सीआरपीसी। ठीक है, तो इसका ऑप्शन सी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। उसके बाद 11वां, निम्नलिखित में से कौन सी गैस सूरों के काटने से पूर्व एनेस्थीसिया के लिए प्रयोग में की जाती थी। सूरों को काटने से पहले उनको एनेस्थीसिया दिया जाता था, तो कौन सी गैस उसके अंदर यूज की जाती थी, वो है आपकी कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड गैस इसमें यूज की जाती थी। ठीक है, केंद्र सरकार की मंत्रिपरिषद केवल खालिस्तान के बाद अस्तित्व में आती है। जो मंत्रिपरिषद होती है वो अस्तित्व में कब आती है, जब प्रधानमंत्री अपने कार्यालय की शपथ ले लेता है, उसके बाद आती है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 13, हरियाणा पुलिस सेवा में विभिन्न राजपत्रित या अराजपत्रित पदों पर सीधी भर्ती खालिस्तान के माध्यम से की जाती है। यह आपका जिला स्तरीय पुलिस भर्ती बोर्ड और राज्य स्तरीय पुलिस भर्ती बोर्ड दोनों के आधार पर ये भर्ती की जाती है। ठीक है, बी और सी दोनों। उसके बाद हरियाणा सरकार के रीडिंग मिशन के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। जो रीडिंग मिशन था वो क्या था, वो था विद्यार्थियों को पढ़ने की आदत डालना। तो इसमें जो आपका आएगा कौन सा क्वेश्चन है,
चौदवा, चौदवें क्वेश्चन का आंसर है आपका डी, मतलब दोनों के दोनों कथन ये बिल्कुल सत्य है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है, हरियाणा पुलिस की भूमिका और कार्य, हरियाणा पुलिस की भूमिका क्या है, कार्य क्या है। तो ये सारे कार्य हरियाणा पुलिस के ही होते हैं ना, जीवन और संपत्ति की रक्षा भी करते हैं, जन व्यवस्था को भी बनाए रखते हैं, अपराध को भी रोकते हैं और पता लगाते हैं किसने क्या किया है। तो इसमें आपका आ जाएगा डी ऑप्शन, बिल्कुल करेक्ट आ जाएगा। ठीक है, अच्छा ये देखिए क्वेश्चन नंबर 16, 3 - 3 + 3 - 3 101 बार लिखना है तो इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, ध्यान से देखो, जब 2 बार लिखा तो आंसर 0, 2 4 बार लिखा तो आंसर 0, मतलब 2 की जो पहाड़े में आएगा उतनी बार लिखेंगे तो आंसर 0 आएगा, मतलब जब हम 100 तक लिख देंगे तो आंसर 0 आएगा। ठीक है, 100 बार लिख देंगे तो। उसके बाद 101 बार, 101वें नंबर पे प्लस का 3 आएगा माइनस का 3 आएगा, इसको चेक करते हैं। इसको कैसे चेक करोगे, पहले नंबर पे प्लस है, दूसरे पे माइनस है, फिर चौथे पे माइनस है, फिर छठे पे माइनस मिलेगा, ऐसे करते करते 100 नंबर पे आपका माइनस मिलेगा तो 101 नंबर पे +3 मिल जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, +3। उसके बाद वर्तमान में हरियाणा में कितने जिले हैं, वर्तमान के अंदर जो हरियाणा में जिले हैं वो हैं हमारे पास 22, 22 जिले हैं हरियाणा में वर्तमान में। उसके बाद है बिल्लियां किस परिवार से संबंध रखती हैं, बिल्लियां जो है वो किस परिवार से संबंध रखती है, वो है फेलिडी, फेलिडी परिवार से जो बिल्लियां वो संबंध रखती है। उसके बाद ई सी का पुत्र है, डी सी का पति है, बी और जी कर्मश एकमात्र भाई और पुत्री हैं, ई एफ और ई, ये आगे क्या लिख रखा है, एफ और ई और जी की मौसी हैं, बी का ई से क्या संबंध है, बी का ई से क्या संबंध है। देखो बी और ई का संबंध ढूंढना है, तो ई सी का तो पुत्र है, डी सी का पति है, बी और जी डी के कर्मशः एक मात्र भाई और पुत्री हैं, एफ ई और जी की मौसी है, बी का ई से क्या संबंध है। तो बी का आपका ई से संबंध आ जाएगा, चाचा है ये, क्या है, चाचा। ठीक, उसके बाद कंप्यूटर के आईपी एड्रेस के साथ साथ प्रत्येक कंप्यूटर को इथरनेट के उपयोग हेतु एक अन्य यूनिक नंबर दिया जाता है, उसको क्या बोलते हैं हम, जो कंप्यूटर के आईपी एड्रेस के साथ साथ एक और नंबर आता है उसको हम बोलते हैं मैक एड्रेस, क्या बोलते हैं, मैक एड्रेस। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21, चंडीगढ़ की मुख्य योजना के समरूप है, जो चंडीगढ़ की मुख्य योजना वो किसके समरूप है, मानव शरीर के समरूप है। ठीक है, आईसीपीयू आज सॉरी आज सीपीयू की गति में मापी जाती है, किसमें मापी जाती है, जो सीपीयू की गति है वो आपकी किसमें मापी जाती है, जीबी में मापी जाती है, गीगा हर्ट्स के अंदर मापी जाती है। ठीक है, हरियाणा सशस्त्र पुलिस में बटालियन होती है, हरियाणा सशस्त्र पुलिस में कितनी बटालियन होती है, इसका आंसर आएगा 5, 5 बटालियन होती है। ठीक है, उसके बाद 16 लड़कों की एक पंक्ति में जब प्रकाश को बाईं ओर 2 स्थान खिसकाया जाता है, प्रकाश है कोई उसको बाईं ओर 2 स्थान खिसका दिया जाता है और उसका बाएं छोर से 7वां नंबर हो जाता है, तो छोर में उसका पहले से कितना था, 16 था, 7वां हो गया पहले मतलब 9वां था ना, पहले कितना था मतलब 9वां, कब कहाँ से, बाएं ओर से 9वां था, तो दाएं ओर से कितना हो जाएगा वो 9 और 8 17, मतलब इसका आंसर आएगा आपका 24 का सी, 8वां स्थान था उसका। ठीक है, 8वां स्थान। ठीक, उसके बाद 25, बहादुर सिंह जिन्होंने 1978-1982 एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीता था, एक भारतीय किससे थे रिलेटेड, बहादुर सिंह जो थे वो गोला फेंकने से रिलेटेड थे, किससे रिलेटेड थे, गोला फेंकने से। उसके बाद फकर ए पुरस्कार हरियाणा पुरस्कार के लिए दिया जाता है, जो फकर ए पुरस्कार दिया जाता है, फकर फकर मतलब फकर, देखो नाम से ही किसमें लग रहा है, उर्दू साहित्य के लिए दिया जाता है। ठीक है, 26वां का आएगा डी, उर्दू साहित्य के लिए दिया जाता है। उसके बाद हरियाणा के पहले महिला विश्वविद्यालय का नाम किसके नाम पर रखा गया, जो पहला महिला विश्वविद्यालय था वो किसके नाम पर रखा गया था, वो था भगत फूल सिंह के नाम पे पहला विश्वविद्यालय रखा गया था। तोशाम, ये तोसम नहीं अभी तोशाम है, तोशाम पर्वत पर वायरलेस रिपीटर एंटीना का संकेत क्षेत्र है, संकेत क्षेत्र इसमें किसका है, भिवानी आएगा, ये क्या है, भिवानी। उसके बाद नीति आयोग द्वारा जारी SDG इंडिया इंडेक्स 2020-21 में हरियाणा का प्राप्त स्कोर क्या था, जो नीति आयोग ने जारी किया था SDG का इंडिया इंडेक्स, नीति आयोग ने जारी किया था उसमें हरियाणा का स्कोर कितना था,
67, ठीक है। उसके बाद आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 30। एक आदमी 5 मिनट में 600 मीटर लंबी सड़क को पार करता है, प्रति घंटा में उसकी चाल कितनी है? 600 मीटर, इसको आप किलोमीटर में चेंज कर लो, इसको आप घंटे में चेंज कर लो, और इसको इससे भाग दे दो, तो कितना आ जाएगा? 7.2। कितना आ जाएगा? 30वें का जो आंसर आएगा आपका वो क्या जाएगा? डी, मतलब 7.2, ठीक है। उसके बाद नीचे दिए गए शब्दों को एक सार्थक तथा तार्किक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। देखो इसमें क्या है, सबसे पहले आएगा सीड, सबसे पहले हम बीज बोते हैं, फिर प्लांट, फिर पौधा उगता है, उसके बाद ट्री बनता है, पेड़ बनता है, उसके बाद हमें लकड़ी मिलती है, फिर लकड़ी से हम मेज बनाते हैं, ठीक है। ऐसे बनाना है आपने, तो 4, 5, 2, 3, 1 कहाँ है? 4, 5, 2, 3, 1 सी, सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। उसके बाद क्या है, क्वेश्चन नंबर 32। चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में स्पेक्ट्रल रेखाओं का विभाजित होना कौन सा इफेक्ट होता है? ये होता है हमारा जीमन इफेक्ट। कौन सा इफेक्ट होता है? जीमन। तो इसका कौन सा आंसर ठीक है? सी ऑप्शन इसका बिल्कुल ठीक ऑप्शन है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 33 क्या बोल रहा है, 7 पुरुषों और 6 महिलाओं के समूह में 5 व्यक्तियों का चयन करना, आपने एक समिति बनाई जाती है जिसमें कम से कम 3 पुरुषों, इसका आंसर क्या आएगा? 7 पुरुषों और 6 महिलाओं में जब 5 व्यक्तियों की समिति बनाई जाती है, तो इसका आंसर आपका आएगा सी, 645 इसका आंसर है, वो करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। उसके बाद 34वां, हरियाणा में पुलिस आयुक्तालय की संख्या, पुलिस जो कमिश्नरेट ऑफिसर हैं हरियाणा में वो कितने हैं? तो वो ऑप्शन हमारा सी, 3 हरियाणा पुलिस आयुक्तालय हैं, ठीक है। उसके बाद जब एक सुबह सूर्योदय के बाद सूर्य से खंबे की ओर मुख करके खड़ा है, खंबे की ओर मुख करके खड़ा है, खंबे की छाया उसके बिल्कुल दाएं पड़ती है, वह किस दिशा में मुख करके खड़ा है? तो वो आएगा आपका 35वां का डी ऑप्शन, मतलब दक्षिण की दिशा में मुख करके खड़ा है, तभी उसके बिल्कुल दाएं ओर पड़ेगी छाया, ठीक है। उसके बाद इसका 36वां का 4, 4, 8, 24, 96, ये देखो 4 की 1 से मल्टीप्लाई दी, फिर 8 की 3 से, फिर इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर दी, देखो 1 से मल्टीप्लाई की, इसमें 3 से, इसमें 5 से, तो इसमें कितने से होनी चाहिए, कितने से होनी चाहिए? 5, 7 से, ठीक है। तो इसका ऑप्शन जब हम किसको हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे ये आए, तो इसका ऑप्शन आ जाएगा आपका 36 का डी, डी ऑप्शन इसका करेक्ट है बिल्कुल, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 37, द्रव्यमान 10 केजी वाली मशीन गन 500 मीटर पर सेकंड की गति से 10 गोली प्रति सेकंड की दर से 20 ग्राम की गोलियां दागती है, मशीन गन की स्थिति के लिए वांछित बल क्या होगा? वांछित बल जो इसका होगा वो कितना हो जाएगा? 110, ठीक है, 100 न्यूटन, ठीक। उसके बाद है WH 1270, जो चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी CCS HCU जिसको बोलते हैं हिसार में जो है, उसमें फसलों में किसकी नई किस्म थी? ये WH 1270, ये हमारी किसकी फसल थी? गेहूं की फसल थी, WH 1270। उसके बाद यदि पेंट को ये लिखा जाता है, एक्सेल को ये लिखा जाता है, तो एक्सेप्ट का मतलब क्या होगा? P 7 नंबर, P का कोड क्या है? 7 नंबर। इसमें देखो A का कोड क्या है? 4, A का कोड 4, मतलब पहले नंबर पे 4 वाली कौन सी है? तो डी ऑप्शन ठीक है इसका, ठीक है। उसके बाद जो 40 क्वेश्चन है, 40वां, ये बोल रहा है रवि कुमार दहिया ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में किस भार वर्ग में रजत पदक जीता, कौन से भार में वो खेला था? तो वो खेला था हमारा 40 का बी, मतलब 57 किलो में वो खेला था, ठीक है, 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल में वो खेला था। उसके बाद हरियाणा में निम्नलिखित में से परमवीर चक्र विजेता, परमवीर चक्र विजेता कौन है? परमवीर चक्र विजेता है मेजर होशियार सिंह, इसमें से क्या है? परमवीर चक्र विजेता। उसके बाद है किले में 2000 सैनिकों के लिए 20 दिनों का पर्याप्त भोजन उपलब्ध है, कुछ सैनिक स्थानांतरण करके दूसरे किले में भेज दिया जाता है और खाना 25 दिनों तक चलता है, कितने सैनिकों का स्थानांतरण किया गया था? तो क्या था, 2000 सैनिक थे तब तो 20 दिन तक चलता था, ठीक है, तो 25 दिनों तक चलने के लिए आप क्या करोगे? 2000 × 20/25, तो इसमें कितना आ जाएगा? 1600 आंसर आ जाएगा, मतलब 1600 अगर वो चलेंगे तो 25 दिन चल जाएगा, 1600 सैनिक रहेंगे, तो मतलब कितने भेज दिए उसने? 400, ठीक है, तो इसमें क्या जाएगा? 400।
उसके बाद एक परिनालिका के भीतर उत्पन्न मजबूत चुंबकीय क्षेत्र को मृदु लोहे जैसे चुंबकीय पदार्थ के एक टुकड़े को जब ऐसे टुकड़ों को कुंडली में रखा जाता है तब चुंबकीकृत करने के लिए प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार बने चुंबक को कहते हैं। इस प्रकार जो चुंबक बनता है, हम एक परिनालिका के अंदर एक चुंबक को लोहे के टुकड़े को रख देते हैं और उसमें से करंट पास करते हैं, फिर एक चुंबक बनती है। उस चुंबक को हम क्या बोलते हैं? विद्युत चुंबक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विद्युत चुंबक। उसके बाद 6% प्रतिवर्ष की दर से 18 महीनों में 2000 का साधारण ब्याज कितना होगा? 6% प्रतिवर्ष एक वर्ष में कितने लग रहे हैं? 6% लग रहे हैं 18 महीने। 18 महीने मतलब कितने? 1.5 साल। 12 और 6, 18, हाँ 1.5 साल। तो मूलधन गुना में दर गुना में समय बटे 100। जहाँ पे आप समय रखोगे तो वो 1.5 रखते हो, 1.5 मतलब 3/2। तो इसका आंसर क्या जाएगा? 180। उसके बाद है वह विकल्प चुनिए, इसकी मिरर इमेज। इसकी मिरर इमेज चुनिए हमें, जो दर्पण प्रतिबिंब, इसका TARAIN 101-4A, इसका जो मिरर इमेज आएगा वो आएगा सी ऑप्शन 45 का, क्या है? सी। ठीक है। उसके बाद वेब सेवाओं का अर्थ द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाएं, वेब सर्विसेज। वेब सर्विसेज कौन प्रोवाइड करता है? वर्ल्ड वाइड वेब, WWW। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में से कौन सी थैली कवक कहते हैं? किस थैली को हम कवक बोलते हैं? इसके अंदर 47 में तो हम कवक किसको बोलते हैं? एस्कोमाइसीटस। एस्कोमाइसीटस को हम क्या बोलते हैं? कवक बोलते हैं। ठीक है। उसके बाद 1000 बाइट के लगभग एक इकाई होती है, 1000 बी होती है, तो वो 1 KB के बराबर होता है, मतलब 1 KB के बराबर होता है। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 49, वर्ल्ड वाइड वेब पर हाइपरमीडिया का प्रकाशन के लिए एक भाषा है, जो वर्ल्ड वाइड वेब WWW है, जो वो किस प्रकार की भाषा का यूज करती है? वो करती है HTML की। किसकी? HTML। ठीक। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 50, अग्नाशय रस में कौन सा एंजाइम उपस्थित है जो पायसीकृत वसा के टूटने के लिए उत्तरदायी होता है? जो पायसीकृत वसा होती है उसको टूटने के लिए जो उत्तरदायी होता है वो कौन सा एंजाइम होता है? वो होता है लाइपेज। कौन सा होता है? लाइपेज। यहाँ देखो, 5 वर्ष पूर्व विनय की आयु विकास की आयु के 1/3 थी। अब विनय की आयु जो है वो 17 वर्ष है। विनय की आयु कितनी है? 17 साल की। तो विकास की वर्तमान आयु, 5 साल पहले विनय की आयु कितनी थी? विकास की आयु की 1/3 थी, मतलब जितनी विकास की आयु थी उसका 1/3 भाग 5 साल पहले। 5 साल पहले इसकी कितनी हो जाएगी? 17 जब अब है तो 5 साल पहले 12 का मिलेगा। 12 मतलब ये किसका 1/3 भाग है? 12 36 का, 36 को है ना, 36 का 1/3 भाग 12 है, तो इसका आंसर आ जाएगा 36। उसके बाद है 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा के इस जिले की साक्षरता दर सर्वाधिक है। सबसे ज्यादा पढ़ने वाले लोग हरियाणा के किस जिला में थी? 2011 की जनगणना जब हुई थी उसमें था गुरुग्राम। क्या था? 52 का गुरुग्राम। गुरुग्राम जो था वो सबसे ज्यादा साक्षरता दर थी उस जिले में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 53, निम्नलिखित में से कौन सा रोग जुएथ्रोपोनोसिस का एक उदाहरण है? जुएथ्रोपोनोसिस का एक क्या उदाहरण है? ये आएगा इसका ऑप्शन 53 का डी, स्टेफाइलोकोकोसिस। उसके बाद है भारतीय जीव विज्ञान आंकड़ा केंद्र, जो ये है इंडियन बायोलॉजिकल डाटा सेंटर IBDC, इस पर विचार कीजिए। इस पे आपने तो इस कथन में कौन सा है? दोनों के दोनों कथन बिल्कुल ठीक हैं। ये 54 का डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 55, क्या है आसानी से समझे जाने योग्य डोमेन नामों को IP पदों में अनुदित करता है? क्या होता है? आई जो डोमेन के नेम होता है उसको IP एड्रेस में चेंज करता है, उसको हम क्या बोलते हैं? DNS, मतलब डोमेन नाम सर्वर। ठीक है। उसके बाद ये देखिए आप 56वां क्वेश्चन नंबर 56, 105-85-60-30-0-45-90, इसमें देखिए आप गलत शब्द। देखो 3 से भाग, देखो ये सारे के सारे 3 से भाग हो जाते हैं, किसको छोड़ के? 85 को छोड़ के। तो इसमें हम अलग कौन सा लेंगे? 85 इसका बिल्कुल अलग वर्ड है। उसके बाद नए ब्रिटेन का प्रतीक ब्रिटिश ध्वज, जो ब्रिटिश ध्वज होता है उसको हम क्या बोलते हैं? यूनियन जैक बोलते हैं। ठीक है। पैरोल का मतलब, पैरोल का जो मतलब होता है वो होता है कैदी की अस्थायी रिहाई। अस्थायी रिहा कर दिया कैदी को, जा भाई मजे कर दो। ठीक है। उसके बाद 59, यदि प्लस का अर्थ गुणा है, माइनस का अर्थ भाग है, गुणा का अर्थ माइनस है और भाग का अर्थ प्लस हो, तो इसका आंसर क्या आएगा?
आपको क्या चेक करना है, आप पहले 9 लिखो, फिर प्लस की जगह आपको क्या लिखना है, प्लस की जगह गुणा लिख दो, यहाँ गुणा लिख दो, फिर 8 लिखो, फिर भाग की जगह आपने लिखना है प्लस, फिर 8 लिख दो, फिर माइनस की जगह लिखना है भाग, भाग फिर गुणा की जगह क्या लिखना है माइनस। इसको सोल्व करके जब आप आंसर निकालोगे तो कितना आ जाएगा, डी ऑप्शन 65 इसका आंसर करेक्ट है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 60, हरियाणा में निम्नलिखित में से कौन सी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की नोडल एजेंसी, जो 60 है नोडल एजेंसी है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की, वो है आपका ए महिला एवं बाल विकास विभाग। ठीक है, उसके बाद नाइट्रोजन स्थितिकरण लेग्यूम बैक्टीरिया, नाइट्रोजन स्थितिकरण लेग्यूम बैक्टीरिया है वो कौन सा है, वो है राइजोबियम। ठीक है, कौन सा है, राइजोबियम। उसके बाद है चार्ल्स डार्विन द्वारा प्रकाशित कौन सी पुस्तक विकासवाद के अध्ययन में एक लैंडमार्क के रूप में चिन्हित है, चार्ल्स डार्विन ने एक प्रकाशित की थी पुस्तक जो कौन सी लैंडमार्क बन गई थी किसका, विकासवाद के अध्ययन का, तो वो कौन सी थी, वो थी ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, क्या थी, ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। ठीक है, उसके बाद है गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को घंटों के भीतर मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किया जाना चाहिए, जो गिरफ्तार जब हम किसी को कर लेते हैं तो उसको मजिस्ट्रेट के प्रस्तुत हम कितने घंटों में करना चाहिए, 24 घंटों में आपको वो करना चाहिए। उसके बाद देखिए दिए गए दो कथनों को सत्य मानते हुए सही विकल्प का चुनाव करें, कुछ शिक्षक विद्यार्थी हैं कुछ विद्यार्थी लड़कियाँ, इसमें क्या है आप ये बना लो बॉक्स, ये मैंने बॉक्स बना लिया एक, इसमें क्या है ये तो हैं कुछ शिक्षक, ये शिक्षक है, इसमें से कुछ विद्यार्थी हैं और सभी विद्यार्थी लड़कियां हैं, एक और बना लो जो ये किसका है आपका, ये है विद्यार्थियों का, तो सारे के सारे विद्यार्थी लड़कियां, मतलब सेकंड वाले बॉक्स में सारे के सारे विद्यार्थी हैं और लड़कियां हैं, और फर्स्ट वाले बॉक्स के अंदर कुछ क्या है शिक्षक हैं, तो कुछ इसमें के अंदर कॉमन है। ठीक, तो इसमें से क्या जाएगा, सभी शिक्षक लड़कियां, नहीं भाई सभी शिक्षक तो लड़कियां नहीं है, ये तो बात ये भी बोल रहे हैं ना, कुछ शिक्षक विद्यार्थी हैं और सभी कुछ शिक्षक विद्यार्थी हैं सभी विद्यार्थी लड़कियां हैं। उसके बाद कुछ लड़कियां शिक्षक हैं, हाँ ये बात मान सकते हैं, इसमें लड़कियों वाले बॉक्स कुछ लड़कियों वाला कुछ क्या था, लड़कियों वाले बॉक्स का कुछ हिस्सा शिक्षक वाले बॉक्स में जा रहा है, तो ये बात ठीक है। और कुछ लड़कियाँ विद्यार्थी हैं, हाँ कुछ लड़कियाँ विद्यार्थी हैं, कुछ नहीं सारी भी लड़कियाँ विद्यार्थी हैं, तो इसमें सेकेंड और थर्ड जो आएगा वो आपका बिल्कुल ठीक है, तो इसका कौन सा, ए ऑप्शन है इसका बिल्कुल करेक्ट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 65, हरियाणा में निम्नलिखित में से किस नए विभाग का गठन हुआ, किस नए विभाग का गठन हुआ है हरियाणा के अंदर, तो वो हुआ नागरिक संसाधनों की सूचना, सिटीजन रिसोर्सेज इंफॉर्मेशन, ये नया बना है, नया विभाग बना है हरियाणा में। क्वेश्चन नंबर 66 क्या बोल रहा है, पुलिस का जिला प्रशासन की अन्य एजेंसियों के साथ कार्य है, पुलिस का जिला प्रशासन की जो अन्य एजेंसियां उसके साथ किस किस कौन कौन सा कार्य है, तो इसका ऑप्शन आएगा डी, सारे के सारे काम करती है दूसरे एजेंसियों के साथ मिलके। उसके बाद फिर ऐसा ही क्वेश्चन आ गया है पीछे वाले जैसा, क्या था, माइनस का मतलब प्लस, प्लस का मतलब माइनस, गुणा का मतलब भाग और भाग का मतलब गुणा, निम्नलिखित में से कौन सा सही होगा, तो इसमें आपने चेक करना है इसमें से कौन सा ठीक है, वो आएगा 67 का ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक। ठीक है, उसके बाद बोला क्यूबेकनों के अलगाववादी आंदोलन का सबब, जो क्यूबेकनों का आंदोलन हुआ था वो किससे संबंध रखता था, कनाडा से। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 69, पेंथ्रालियो क्या है, पेंथ्रालियो नाम का एक शेर होता है, किसकी प्रजाति है, एक शेर की प्रजाति होती है पेंथ्रालियो। अच्छा जी, अब बोल रहा है जेस की आयु अनिल से उतनी ही कम है जितनी प्रशांत से अधिक है, अच्छा जेस की आयु अनिल से उतनी ही कम है जितनी प्रशांत से अधिक है, यदि अनिल और प्रशांत की उम्र का योग 48 है तो जेस की आयु कितनी है, इसमें से उतना ही कम और उतना ही ज्यादा हो तो क्या आएगा इसका आंसर, जेस की उम्र अनिल से उतनी ही कम है जितनी प्रशांत से अधिक है, तो इसका आंसर आएगा आपका 70 का बी ऑप्शन आएगा, वो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है 24 वर्ष। ठीक, हरियाणा पुलिस खालिस्तान हरियाणा सरकार के अंतर्गत आती है, सभी को पता है गृह विभाग के अंतर्गत आती है, ठीक है ना, होम अफेयर्स के, होम मिनिस्टर के अंदर आती है। उसके बाद बोल रहा है हरियाणा राज्य में निम्नलिखित में से कौन से प्रकार के मुख्य वन पाए जाते हैं, किस प्रकार के सबसे ज्यादा मुख्य वन पाए जाते हैं, वो है बी उपोषण कटिबंधीय शुष्क प्रणावती वन। ठीक है, ये होते। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 73 क्या बोल रहा है,
खालिस्तान बिट्स की अधिकतम संख्या है जिसे एक माइक्रो प्रोसेसर एक बार में प्रोसेस कर सकता है, इसका आएगा डेटा का आकार। डेटा का आकार जो है वो माइक्रो प्रोसेसर एक बार में कर सकता है। उसके बाद देखिए आप निम्नलिखित समरूपता पूर्ण कीजिए। देश का राष्ट्रपति होता है तो राज्य का क्या होता है? राज्य का होता है राज्यपाल, जिसको गवर्नर बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद a प्लस बी ये है, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर इजिकल टू 29 है, तो ए बी का मान, इसमें आप a माइनस बी होल स्क्वेयर का फार्मूला लिख लीजिए। क्या होता है a माइनस बी होल स्क्वेयर इजिकल टू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस 2ab, वहाँ से इसकी वैल्यू आ जाएगी ab की। तो ab की कितनी वैल्यू आएगी वहाँ से? वहाँ से आएगी 10। क्या आएगी? 10। आप कैलकुलेट करोगे तो कितनी आ जाएगी? 75 का आंसर ए 10 आ जाएगी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 76, इस प्रसिद्ध राजा को राय पिथौरा कहते हैं। राय पिथौरा किसको कहते हैं? वो कहते हैं पृथ्वीराज चौहान को। हम क्या बोलते हैं? राय पिथौरा, ठीक। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 77, भारतीय सरकारी एजेंसी जो आपराधिक आंकड़ों को एकत्रित करके और विश्लेषित करने के लिए उत्तरदायी है वो कौन सी? वो है सी पार्ट इसका, ठीक है, द नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पे आइए आप, लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें आपने 4.5, 18, 2.25, ये 1.6, 875, 33.75, तो इसके अंदर जो विलुप्त संख्या है वो क्या आएगी, ठीक है। तो इसके अंदर क्या आएगी? इसमें देखो आप, जब आप 18 को 4.5 से भाग करोगे तो कितना आएगा? 4। इसको भाग करोगे तो 20 आएगा, ठीक है। तो 4, 20, इस उस 4 और 20 के बीच में क्या आता है? 12, है ना। तो इसको आप जब 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा? 12 दूनी 24 और 3, ठीक है। तो इसका आंसर जो आएगा वो क्या आएगा आपका? 78 का डी, 24 और 3 27 आ जाएगा, ठीक। यहाँ पे आप इसको 12 से मल्टीप्लाई कर लेना, 12 5 60, 12 दूनी 24 और 36 3, और 12 दूनी 24 और 3 27 ही आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 79, एक विशेष प्रकार की मेमोरी है जो रैम और रोम दोनों तरह की काम करती है, वो होती है आपकी कौन सी होती है? 79 फ्लैश मेमोरी, ठीक है। क्या बोलते हैं उसको? फ्लैश मेमोरी, जो दोनों तरह का काम करती है, रैम का भी और रोम का भी। अच्छा, जब अपघटन पर चूने का पत्थर खालिस्तान और कार्बन डाइऑक्साइड देता है, चूने का पत्थर जो होता है लाइम स्टोन, उसको डीकंपोजिशन करते हैं तो क्या क्या देता है वो? कार्बन डाइऑक्साइड और क्या देता है वो? कैल्शियम ऑक्साइड, CaO+CO2, कैल्शियम कार्बोनेट होता है ये लाइमस्टोन, CaCO3, उसका डिकम्पोजिशन जब आप करोगे तो CO2+ क्या बनेगा? कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। हाँ जी, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 81, 20 पैसे और 25 पैसे के कुल 324 सिक्कों को जोड़कर 71 की रकम बनती है। टोटल तो 324 सिक्के और 71 रुपये बनते हैं, 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है, ठीक। तो 25 पैसों के सिक्कों की संख्या कितनी होगी? 124 जब 25 पैसों के सिक्कों की संख्या होगी तो ये पूरी की पूरी कंडीशन सेटिस्फाई होती है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 82, केसरा राम ने अपने लघु कहानियों में किस संकलन हेतु 2020 का पंजाबी साहित्य के लिए ध्यान पुरस्कार जीता था? केसरा राम ने किस अपनी लघु कहानियों में किसका संकलन किया था जिसके लिए उसको पंजाबी साहित्य के लिए ध्यान पुरस्कार मिला था? वो आएगा आपका जननी पोड का इसने वो किया था, तब उसको क्या मिला था? पंजाबी साहित्य के लिए ध्यान पुरस्कार। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 83, हरियाणा पुलिस का आदर्श वाक्य है, ये तो सेवा सुरक्षा और सहयोग, ये सबको पता है। अच्छा जी, ये देखिए आप, एसिटिक अम्ल का पीके और अमोनियम हाइड्रोक्साइड का पीके 4.76 और 4.75 है, तो अमोनियम एसीटेट के विलयन का पीएच कितना होगा? अमोनियम एसीटेट के पीएच का विलयन हो जाएगा 7.005, ठीक है। उसके बाद फोल्डर के सभी फाइलों को चयन करने के लिए, सारे के सारे जब आप चूज करते हो तो Ctrl+A करते हो, ऑल, है ना, तो इसका क्या जाएगा? Ctrl+A। यदि ABC शून्य नहीं है, ABC शून्य नहीं है, जीरो नहीं है, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, ठीक है। तो इसकी वैल्यू आएगी 1, ABC का मान कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी है? तो इसके अंदर त्रिभुजों की संख्या है 10। अगर आप कैलकुलेट करोगे, आप शुरू से बनाना स्टार्ट कर दो, पहले 4 रेखा, फिर एक लाइन खींचो, फिर त्रिभुज कैलकुलेट करो कितने बने, फिर दूसरी लाइन फिर कैलकुलेट करो, फिर एक लाइन, फिर उससे कितने बने वो कैलकुलेट करो, ऐसे करते करते आपके कितने आ जाएंगे? 10। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 88, हरियाणा में केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? भैया ये जो है ये है करनाल में स्थित है,
कहाँ है? करनाल में, हरियाणा में, केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान केंद्र CSSRI, सेंट्रल सोइल सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 89, 450 और 300 के बीच परिचालित होने वाले कार्नोट इंजन की क्षमता की गणना कीजिए। इस क्वेश्चन का आंसर आएगा 33.33%। ठीक है जी, उसके बाद आता है वायरलेस नेटवर्क में अब फंक्शन को वायरलेस राउटर द्वारा किया जाता है। कभी कभी इसे क्या आता है, कभी कभी हम इसको क्या बोल देते हैं, मॉडम भी बोल देते हैं। ठीक है, उसके बाद लुप्त पद ज्ञात कीजिए। देखो ए बी सी आएगा, फिर बी सी डी आएगा, फिर ए के बाद एक, उसके बाद सी से स्टार्ट करना, सी डी ए बी आएगा, ये साइकिल घुमाते रहना आपको ए बी सी डी का। पहले ए से स्टार्ट कर दिया, फिर बी से, फिर सी से स्टार्ट हो जाएगा, सी से स्टार्ट होने के बाद फिर लास्ट में सी पे खत्म हो जाएगा, तो इसमें सारे के सारे सी 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 आएंगे। तो 91 का आंसर क्या जाएगा आपका, ए। ठीक है, उसके बाद बोला 6 घंटे एक साथ बजना शुरू कर देते हैं। 6 घंटे, ये घंटे वो नहीं है, टाइम वाला घंटा नहीं है, ये घंटी हैं। 6 घंटी बजती है एक साथ, और कितने कितने सेकंड बाद, 2, 4, 6, 8, 30, 12 सेकंड बाद बजते हैं। 30 मिनट में कितनी बार साथ बजेंगे, तो आप इसका एलसीएम निकाल लीजिए कितना आएगा। इसका एलसीएम आएगा 120, हाँ 120 ही आएगा ना, 120 एलसीएम आएगा। और 30 मिनट में कितनी सेकंड होती हैं, 1800। तो जब 120 को आप 1800 को 120 से डिवाइड करोगे तो क्वेश्चन आएगा, वो आंसर आ जाएगा, वो कितना आएगा, 16। तो 92 का क्या आंसर आ जाएगा, बी। ठीक, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 93, हरियाणा महिला विकास निगम के वर्तमान अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया था। ये सभी को पता है, बबीता फोगाट को बनाया गया है, ये किसका, चेयरपर्सन ऑफ हरियाणा वुमेन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन का। अच्छा, जेबरा को ये लिखा जाता है तो कोबरा क्या लिखा, देखो जेड कितने नंबर पे आता है, 26, तो इसने 26 लिख दिया। ई कितने नंबर पे, 5 पे आता है तो 5 लिख दिया। इसी तरह सी कितने नंबर पे आता है, 3 पे आता है, अब 3 वाले 3 ऑप्शन है। उसके बाद ओ कितने नंबर पे आता है, ओ आता है हमारा 94 का डी। ठीक है, तो इसका आएगा आपका ऑप्शन, एक मिनट इसका चेक करना पड़ेगा दोबारा, जेड आता आपका कितने नंबर पे, छब्बीस पे, तो इसने 26 लिख दिया। उसके बाद ई आता है 5 नंबर पे, ठीक है, और आर आता है 18 नंबर पे, आर आता है 18 नंबर पे, ठीक है। तो कोबरा कितने पे आएगा, सी आता है आपका कितने पे, 3 नंबर पे, 3 लिख दिया। उसके बाद ओ कितने नंबर पे आता है, 15 पे, 3 के बाद 15 कौन सी है, हाँ 3 के बाद 15 है, ये हमारी कौन सी है, डी। ठीक है, उसके बाद बी कितने पे आता है, 2 पे, 15 के बाद 2 लिख दिया। फिर आर कितने पे आता है, 18 पे, फिर 1 लिख दिया। तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी आपका जो है वो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अच्छा उसके बाद श्रृंखला पूरी करें, इस श्रृंखला को पूरी करना आपने, इस श्रृंखला का आंसर आएगा डी, 56 आएगा इसके लास्ट में। ठीक है जी, उसके बाद आता है देश के निम्नलिखित में से किस कृषि जलवायु में हरियाणा राज्य आता है, कौन से कृषि जलवायु में जो हरियाणा राज्य आता है, वो आता है ट्रांसजेनेगेटिक प्लेन्स रीजन, जो पार गांगे मैदानी क्षेत्र में आता है। ठीक है जी, उसके बाद ब्लड प्रेशर, मानव रक्तपात का प्रकुंचन दाब, जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है वो होता है 120 mm ऑफ HG। ठीक है, ये होता है सिस्टोलिक, एक हिस्टोलिक होता है वो होता है 80। ठीक है, सिस्टोलिक कितना होता है, 120 mm। उसके बाद यह व्यक्ति हरियाणा के गांधी के नाम से, हरियाणा में जो गांधी के नाम से प्रसिद्ध था वो कौन था, 98 का आपका ए आंसर आ जाएगा, मूलचंद जैन जो था। ठीक है, उसके बाद एक क्रिकेट मैच के पहले 10 ओवर में रन रेट 3.2 था, 3.2 मतलब 10 ओवर में 3.2 एक ओवर में रन बने, इस हिसाब से रन बने, और 282 रनों तक पहुंचना हमें, तो 40 ओवर में क्या रहना चाहिए रन रेट, तो हमारा ये है। अगर इसमें देखो 3.2 अगर था तो कितने रन बन गए 10 ओवर में, 32 रन बन गए। ठीक है, इसमें से 32 घटा दो आप कितना आएगा, 250। अब 250 को 40 से भाग दोगे तो कितना आ जाएगा, ये 6.25। तो इसका आंसर क्या जाएगा, 6.25 इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद आते हैं रोगियों के दांत का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए दंत चिकित्सकों द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला दर्पण किस प्रकार का होता है, जो डेंटिस्ट यूज करते हैं वो दर्पण वो किस प्रकार का होता है, होता है अवतल। ठीक है जी, तो ये हमारा था 100 के 100 क्वेश्चन हमने सोल्व कर लिए, इसमें आपको मिनिमम 1 या 2 क्वेश्चन गलत हो सकते हैं, बाकी आपके 101% ठीक हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो आप एक छोटा सा काम जरूर कर देना, एक सब्सक्राइब, एक लाइक और एक शेयर जरूर कर देना। ठीक है जी,
तो आप सभी को ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।